रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम में से जब कोई मर जाता है तो सुबह और शाम इसका ठिकाना इसको बतलाया जाता है। अगर वो बहिश्ती है तो बहिश्त वालों में, और अगर दोजखी है तो दोजख वालों में। फिर कहा जाता है, ये तेरा ठिकाना है जब कयामत के दिन अल्लाह तुझको उठाएगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नबी पाक ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने नाहक किसी ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा भी लिया तो कयामत के दिन इसे सात ज़मीनों तक धंसा दिया जाएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की निशानियों में ये भी है कि दीन का इल्म उठ जाएगा और जहालत जम जाएगी और शराब को कसरत से पिया जाएगा, जिना ऐलानिया होगा। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया के फना होने की मिसाल इस कपड़े की सी है जिसको शुरू से आखिर तक फाड़ डाला गया हो और इसके टुकड़े आखिर में सिर्फ एक धागे से जुड़े हुए लटके हों और वो धागा भी टूट जाने के करीब हो, बस दुनिया भी अपने टूट फूट और ख़ात्मे के इतने ही करीब पहुंच चुकी है।